इन टुडेज वर्ल्ड जब भी हम किचन सेट करने की बात करते हैं तो माइक्रोवेव एक ऐसा गैजेट है जो बहुत ही एसेंशियल माना जाता है और उसके बगैर आई गेस किचन इनकम्प्लीट होता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा जाता है कि पका हुआ खाना गर्म करने के लिए ही माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है, ना कि खाना बनाने के लिए। वैसे माइक्रोवेव में खाना बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो आइए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके एक सिंपल सी रेसिपी बनाते हैं, कॉर्न कैप्सिकम मसाला। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल में सबसे पहले जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और उसके साथ ग्रेटेड अनियंस। इन दोनों चीजों को अब अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अब इन्हें माइक्रोवेव में पकाएंगे हाई इंटेंसिटी के लिए, करीबन 5 मिनट के लिए। अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट बढ़िया ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी के साथ साथ धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, उसके साथ साथ मावा जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। मावा इस ग्रेवी में रिचनेस लाएगा। अब इसमें डालेंगे पानी और इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारी चीजों को करीबन 8 मिनट के लिए माइक्रोवेव हाई पे पकाएंगे। टमाटो ग्रेवी अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से हल्का हल्का ये फैट भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। इससे पता चलता है कि ग्रेवी की कुकिंग सही हुई है और परफेक्ट हुई है। और इस ग्रेवी में अब डालेंगे कॉर्न, फ्रेश कॉर्न कर्नल्स और बड़े टुकड़ों में कटे हुए कैप्सिकम। इसमें फ्लेवर के लिए डालते हैं गरम मसाला। इन सब चीजों को अब अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और अब इन्हें हम पकाएंगे करीबन 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव हाई पे। कॉर्न और कैप्सिकम अब पक चुके हैं और ग्रेवी भी बढ़िया थिक हो चुकी है। बस इसको हम फिनिश करेंगे थोड़ी क्रीम के साथ। क्रीम डाल के बस इसे मिक्स कर लेंगे और बस इसी तरह से इसे गर्मा गर्म सर्व करना है। इसके ऊपर गार्निश के लिए बस थोड़ी सी क्रीम। कॉर्न कैप्सिकम मसाला तैयार है। और वैसे तो ये ग्रेवी बहुत वर्सेटाइल है, इसमें कॉर्न और कैप्सिकम के अलावा आप कोई भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं।